Hello, my dear kids. How are you? I am Payal, your math teacher. Today we will start our new book, Mathematics by Brainroot series. The name of the book is Mathematics Whirlwind Pre-Primer. Today we will start our chapter number 1. The name of the chapter is Differentiation. So student, first we will differentiate between tall and short. टॉल का मतलब होता है लंबा और शॉर्ट का मतलब होता है छोटा। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी पिक्चर है जिराफ की और फॉक्स की। तो आपको क्या करना है, इस पिक्चर में जो सी पिक्चर बड़ी है उसमें कलर करना है। तो बताइए कौन सी पिक्चर बड़ी है। यस, यू आर राइट, जिराफ की पिक्चर बड़ी है। तो आपको इसमें बहुत सुंदर कलर करने हैं। Now, big and small. What is the meaning of big? Big का मतलब होता है बड़ा और small का मतलब होता है छोटा। यहाँ पे एक elephant की picture है और एक किसकी है, squirrel की। आपको इनमें से जोन से picture बड़ी है उसको बहुत सुंदर से color करना है। तो कौन सी picture बड़ी है, elephant की। किसकी picture बड़ी है, elephant की। इसमें आप बहुत सुंदर से कलर करेंगे। नेक्स्ट, नाउ थिक एंड थिन। थिक का मतलब होता है बच्चों मोटा और थिन का मतलब होता है पतला। कलर द थिक फिश रेड एंड द थिन फिश येलो। यहाँ पर आपको दो फिश की पिक्चर बनी हुई है और जो सी फिश थिक है मतलब मोटी है उसमें आपको रेड कलर करना है और जो फिश पतली है उसमें आपको येलो कलर करना है। Now the next is heavy and light. What is the meaning of heavy? Heavy का मतलब होता है भारी और light का मतलब होता है हल्का। Tick right the heavy object and cross the light object. इस picture में दो objects बने हुए हैं बच्चों। जो heavy objects है उसमें आपको right करना है और जो light object है उसको आपको cross करना है। So this one is heavy object. So we will make right on it and this one is light object, we will cross out it. Now the next topic, long and short. The meaning of long, long का मतलब होता है लंबा और short का मतलब होता है छोटा। तो देखिए बच्चों इसमें कितनी सुंदर caterpillar और snake की picture बनी हुई है। Encircle the short object. इन दोनों में से जो सा ऑब्जेक्ट छोटा है आपको उसको क्या करना है, सर्कल करना है। बताइए कैटरपिलर छोटा है या स्नेक छोटा है। यस, यू आर राइट, कैटरपिलर इज शॉर्ट, सो वी विल मेक सर्कल ऑन इट। नाउ द नेक्स्ट वन, फार एंड नियर। फार का मतलब होता है बच्चों दूर और नियर का मतलब होता है पास। लुक एट द पिक्चर, कलर द काइट विच इज नियर। यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी पिक्चर बनी हुई है जिसमें दो बॉयज क्या कर रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। आपको क्या करना है बच्चों, जो काइट नियर है उसमें आपको बहुत सुंदर से कलर करने हैं। तो बताइए विच काइट इज नियर, दिस वन और दिस वन। दिस काइट इज नियर टू द बॉय, सो यू हैव टू कलर इट। नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट बिटवीन अप and down. The meaning of up, ऊपर, and the meaning of down, नीचे। Look at the picture, color the monkey which is up. इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। इस पिक्चर में दो मंकीज हैं, आपको क्या करना है, जो मंकी ट्री के ऊपर है उसको आपको बहुत सुंदर से कलर करना है। तो बताइए कौन सा मंकी ऊपर है, this one or this one? Yes, you are right. This monkey is at up. तो ये मंकी ऊपर है, आपको इसको बहुत सुंदर से कलर करने हैं। Now the next one, the next topic is left and right. उल्टा और सीधा। Draw arrow in the direction in which the animals are moving. Write L for left and R for right. One has been done for you. तो बच्चों राइट और लेफ्ट इन पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। जो एनिमल जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज दे आर गोइंग ऑन दिस डायरेक्शन, यू हैव टू राइट
are on it and the animals which are going in the left direction, you have to write L for it. So look at this. तो बताइए ये animals किस direction में जा रहे हैं? They are going in left direction. So you have to write L for it. Next one, horse. The horses are going in right direction. So we will write R for it. Next two question you have to do by yourself. More and less. More का मतलब होता है ज़्यादा और less का मतलब होता है कम. Tick write the more object and cross the less object. यहाँ पे बच्चों कुछ objects की picture दी गई है आपको. जो objects ज़्यादा हैं उन पर आप tick का निशान लगाएंगे और जो object less हैं उन पर आप क्रॉस का निशान लगाएंगे. तो चलिए बताइए हाउ मेनी बनानास आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो देयर आर 8 बनानास एंड हियर ओनली वन. तो विच ऑब्जेक्ट इज मोर? दिस वन. वी विल मेक राइट ऑन इट एंड वी विल मेक क्रॉस ऑन दिस वन. नाउ द नेक्स्ट वन, देयर आर 1 2 3 4 5 6. देयर आर 6 फ्लैग एंड हियर are only two. So we will make right on it and we will make cross on it. Next two you will do by yourself. So in chapter number 1 we have learned about the differentiation. Chapter number 1 mein bachcho humne kya sikha? Alag alag objects ke beech mein difference sikha. Now we will come back with another video. Stay tuned for the next video. Thank you.